वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज रावत। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। तो मैं उठूंगा सिर्फ धूप से, देखो सामने आती है बिल्कुल, पर्दे खोलते मेरे मुंह पर पड़ेगी धूप। सुकून मिल रहा चाय पी कर। चाय पीते गर्मी आती शरीर में। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज रावत। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो। सो आज मैं ब्लॉगिंग लेट स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो सुबह के टाइम में से मैं कहीं गया भी नहीं था, तो मैं सो रहा ही था पूरे दिन, क्योंकि मतलब मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है। सो कल मैं उठा था 3:30 बजे, 11 बज गया था, 4 बजे सॉरी। तो फिर मैं ऐसे आलस करते करते 5 बज गए थे। सो इस वजह से बाकी मैंने ब्लॉग वाला अपलोड कर दिया अपना, एंड जाके देख सकते हो आप। और परसों में उठा था 3:30 बजे, तो मेरे को अभी बहुत मतलब नींद आ रही थी सुबह, मैं जिम से आया था ना बहुत। सो इस वजह से मैं अभी ज़्यादा वो नहीं कर रहा था मतलब ब्लॉगिंग, सोया हुआ था। आँखें भी मम्मी कह रही थी लाल हुई पड़ी है। फिलहाल तो मैं अभी घर पे ही हूँ एंड कुछ कंटेंट बनाते हैं बढ़िया सा। सो देखते हैं अपने घर में क्या क्या कंटेंट होता है मेरे। तो चलो, तो गाइस अभी पापा तो सोए हुए हैं पीछे, देख सकते हो आप। सो पापा को तो नींद आ गई, पापा भी अभी सोए थे शायद थोड़ी देर पहले, और अभी जॉब पे जाना उन्हें। सो उनकी टाइमिंग है 5 बजे की, तो मतलब जैसे इनके वो आते हैं ना अफसर, तो उन्हें जाना पड़ता है। तो अभी पापा फ़िलहाल घर ही हैं, तो 5 बजे जाएंगे। एंड बाहर सारे बच्चे खेलने में लगे हुए हैं। सो बहुत हल्ला हो रहा है बाहर गली में। तो अभी सब बच्चों की छुट्टी होगी, तो सारे के सारे अभी खेलने लग गए। तो मैं दिखाता हूँ अभी कौन कौन खेल रहा है गली में। सो मेरे को अभी कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा कि मैं क्या कंटेंट बनाऊँ एंड कहाँ जाऊँ। बाहर जाने का भी सब अभी मतलब इस टाइम ब्लॉगिंग होती है तो मैं बाहर नहीं जा सकता। एंड क्या बताऊँ, रात को जाएंगे सब के सब मेरे दोस्त, और भी कहाँ जाऊँगा मैं अकेले, कहाँ जाऊँगा घूमने। एंड मेरे पे कोई वो भी नहीं है कन्वेंस जाने के लिए मतलब व्हीकल, तो कैसे जाऊँगा मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मेरी स्कूटी तो भाई ले गया है एंड पापा को भी जाना है, इससे मैं कहाँ जाऊँगा। फिलहाल मैं सो जिम गया था आज, तो बैक मारी थी एंड बहुत ज़्यादा मतलब पेन हो रहा बैक में, मतलब साइड जगह में, दोनों जगह में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सो मतलब अब मैंने 17 दिन के बाद जिम करी थी ना, क्योंकि मैं 13 तारीख को गाँव गया था और उसके बाद मैं सीधा गया था, मतलब आ तो गया था मैं पर जिम नहीं जा रहा था मैं। तो उसके बाद सीधा 20 हो गया, और भाई साहब मतलब पहले दिन में हालत ख़राब हुई, दूसरे दिन आज भी मतलब बैक मार रहा था ना, बहुत पेन हो रहा था। तो मतलब एक्सरसाइज तो पूरी लग जाती थी, बट जब घर पे आया ना जब पता लगा कितना पेन हो रहा है। सो इस वजह से मैं पूरे दिन अगर लेजी की तरह सोया हुआ हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा। अभी टाइम हो रहा शाम के 7:30, और फिलहाल तो मैं अभी बैठा हुआ हूँ। तो मैं जब से कहीं नहीं गया था दोपहर में भी, मतलब 3-4 बजे थे इस टाइम, तो 4-5 बज रहे थे, 4:30 होने वाले थे। सो मैं फिर लेट गया था एंड उसके बाद मेरे को फिर से आलस आ गया, मैं सो ही गया था। क्योंकि मेरा भी बॉडी में फिलहाल पेन हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद वो करी ना एक्सरसाइज स्टार्ट। फिलहाल तो मैं अभी खा रहा हूँ अभी खीर, एंड मीठी खीर है और बहुत टेस्टी है। तो ये खीर ख़त्म करता हूँ एंड उसके बाद मिलता हूँ सभी को। वैसे अभी चलते हैं मेरा रूम में एंड मैंने अपनी खीर फिनिश कर लिया, तो मेरे रूम में जाकर कंप्यूटर ऑन करते हैं फटाफट। और उसमें मैं अभी ऐप डाउनलोड करना आ रहा हूँ। सो मैंने यूट्यूब पे देख रहा था पहले कि मतलब कैसे होगा वो ऐप डाउनलोड। सो मुझे तो आता नहीं कंप्यूटर में डाउनलोड करना, क्योंकि उसमें मतलब थोड़ा सा ना अलग अलग वेबसाइट डालनी पड़ती है, तो मुझे वेबसाइट पता नहीं है। सो वेबसाइट मैंने यूट्यूब पर देखी है, और जिस वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगा। तो चलो चलते हैं और कंप्यूटर को स्टार्ट करता हूँ मैं, उसके बाद बढ़िया से ऐप डाउनलोड करेंगे और मज़ा आ जाएगा। मतलब ऐप डाउनलोड हो जाएंगे फिर तो मज़े, उसके बाद तो फिर रोजाना ऐप डाउनलोड करेंगे अच्छे अच्छे से कंप्यूटर के लिए। तो अभी मेरा वीडियो भी ऐड हो जाएगी साहब से, जिस ऐप्स को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ना फिलहाल, तो मैं वीडियो एडिट करने के लिए कर रहा हूँ, बाकी को और किस चीज़ के लिए नहीं कर रहा। तो वीडियो एडिट वाला ऐप डाउनलोड हो जाए बस, और कुछ नहीं। क्योंकि मेरे को ना क्या था, मेरे को हाँ मेरे को ना फिर ब्लॉग अपलोड करने में समझ जाएगी ना, सीधा उसी से ऐड करूँगा एंड उसी से अपलोड करते करूँगा कंप्यूटर से ही। तो करते हैं चल के ऑन कंप्यूटर। गाइस मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया अपना, क्योंकि जैसे जैसे यूट्यूब में बताया था, मतलब यूट्यूब ने जिस बंदे ने वीडियो डाली थी ना उसमें मेरे को 1% भी नहीं आया मेरे इसमें, तो सो इस वजह से मैंने बंद ही कर दिया। मैंने बहुत जगह ट्राई करा 2-3 बार ही, और
मतलब बहुत बार सर चेक करी, बस घुसते जा रहा हूँ घुसते जा रहा हूँ, बट दिख नहीं रहा कुछ भी। सो मैंने अपना कंप्यूटर बंद कर दिया अभी, तो फिलहाल चलते हैं खाना खाते हैं, इसलिए मैं पहले तो खाना खा के आते हैं। चलो खाना खाने चलते हैं। मैं अभी खाना खा के तो आ गया हूँ एंड अभी मैं बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। सो अभी कुछ काम तो है नहीं करने के लिए, मतलब कुछ काम क्या, ब्लॉगिंग भी क्या करूँ मैं, कुछ है नहीं। सो कंटेंट फिलहाल मैं अभी बैठ जाता हूँ एंड फ़ोन भी चार्ज कर लेता हूँ, बाकी ब्लॉग एडिट कर लेता हूँ जितना बना है उतना, देखते हैं कितनी देर का ब्लॉग बना है अभी तक, एंड उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। मैं अभी सो रहा हूँ क्योंकि मुझे आ रही बहुत तेज नींद, तो अभी मैं सो जाता हूँ। टाइम मेरा रात के 10 बज रहे हैं, तो मैं शायद जिम जाऊँगा ना सुबह 5 बजे, तब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। तो आज अब तक के लिए गुड नाइट। बस अभी टाइम मेरा सुबह के 5 बज रहे हैं एंड मैं जिम जा रहा हूँ, तो मैं जिम निकलता हूँ फटाफट एंड क्योंकि ठंड भी हो रही है बाहर, तो मैं जल्दी आ जाऊँगा। मतलब आज तो 22 है ना, सो मैं आज तो मज़ा आएगा, चलो चलते हैं। मैं जिम से आ गया और अभी मैं बना रहा हूँ अपने चाय, तो अभी घर में तो है नहीं कोई, सब गए हैं बाहर, तो फिलहाल मैं अभी चाय बना रहा हूँ अपनी एंड गाने चलानी सो जाता कंप्यूटर में, तो यार मेरे फ़ोन में तो ना वो कनेक्ट होगा क्या नाम है होम थिएटर, और कंप्यूटर में ज़्यादा जो गाने मेरे को पसंद ही नहीं है, इसमें ज़्यादा खास गाने नहीं है, इसलिए इसमें सुन नहीं रहा हूँ। तो आज मम्मी आएगी ना, तो मम्मी का फ़ोन से सारे गाने डाउनलोड करूँगा एंड फिर कंप्यूटर में डालूँगा यार सारे के सारे। फिलहाल तो अभी मेरी चाय बन रही है, तो चाय पीते हैं और थोड़ी गर्मी तो आएगी कम से कम शरीर में, भाई सब बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी, तो सुबह तो भाई इतनी ठंड होती है ना, चलो यार क्या बताऊँ, ठंड के बारे में रोज़ ठंड ठंड बोलता रहता हूँ। अब मैं अपनी चाय पी रहा हूँ और बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है चाय पी कर, चाय पीते गर्मी आ जाती शरीर में, तो नहीं चाय में क्या होता था जो गर्मी आ जाती है, या तो हम गर्म गर्म पीते हैं इस वजह से, हाँ गरम गरम पीते हैं इस वजह से होती होगी, क्योंकि सूप भी तो गरम होता है, सूप पीने से भी गर्मी आती है, गरम चीज़ गरम पानी पी लो उससे भी गर्मी आ जाती है। तो अभी मेरा आज बाइसेप का था, तो आज मैंने मतलब बाइसेप मारे थे ना वहाँ पे, तो भाई थोड़ा साइज तो आया मतलब उसमें बाइसेप में हल्का फुल्का, बाकी मेरे बाइसेप ज़्यादा फुल दिन मतलब बड़े नहीं होते, पता नहीं क्यों ज़्यादा बड़े तो हो नहीं पाते बाइसेप, बट मैं क्या ट्राई करूँगा एंड देखता हूँ कुछ टाइम बाद मैं अपने लिए कुछ वो भी लाऊँ प्रोटीन वगैरह, क्योंकि भी मेरे प्रोटीन के बिना तो मुझे लगता है बनेगा ही नहीं। सो मेहनत तो पूरी मारता हूँ बट फिर प्रोटीन के बिना नहीं हो पाता, तो सोच ही रहा हूँ प्रोटीन लाने की, और उसके बाद तो फिर चाय की जगह प्रोटीन पिया करूँगा। मैं चाय पीता नहीं हूँ बट आजकल ठंड की वजह से पी रहा हूँ चाय, वरना पीता भी नहीं चाय मैं ज़्यादा। अगर मैं सो जल्दी सो के ना उठूँ ना, मतलब इसके 5 बजे उठ जाता हूँ मैं जिम जाने के लिए, अगर मैं 5 बजे नहीं उठूँ ना, तो मैं मतलब मैं उठूँगा सीधा धूप से, देखो सामने आती है बिल्कुल, पर्दे खोलते मेरे मुंह पे पड़ेगी धूप, तो सुबह उठने से अगर मैं लेट उठूँ ना, तो मैं पर्दे खोल देगी ना, तो मतलब मैं ऐसे उठूँगा धूप में, धूप आएगी सीधा मुंह पे, फिर हमारे क्या आ गया सीधा उठ जाऊँगा। सो अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ, गैलरी में बैठा हुआ था धूप सेक रहा था, और बैठे बैठे मैंने अपना ब्लॉग जितना बचा हुआ था सारा एडिट एडिट कर लिया, तो हो चुका है पूरा ब्लॉग। तो गाइस आज के लोग को करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।